How to take measurement for women's kurti dresses and children for cloth. Vertical measurement. कुर्ती पर मेजरमेंट डालेंगे, उसका तरीका देखिए। टू फोल्ड पेपर है, इस तरह से फोल्ड कर लें, मार्जिन डाल लें, मार्जिन डालें फर्स्ट, इस तरह से वर्टिकल मेजरमेंट। लेंथिस आप अपने हिसाब से कितनी, ये पेपर है, पेपर पे हम 28 लेंथ लिया है। बस पॉइंट 10, वेस्ट पॉइंट 15 एंड हिप 21। इस तरह से शोल्डर इज 7 इंचेस शोल्डर, 13/2, 7। नेक विड्थ इज 2.7, फुल नेक विड्थ 5.4, हाफ डिवाइडेड बाय 2.7, लेंथ इज 6.5। आर्म होल 7.5 R 7। सेवन एंड हाफ लेंगे हम इस तरह से, 7.5। चेस्ट राउंड इस लेंथ इस तरह से डालें, से यहाँ तक के निकालें इस तरह से। वन इंच शेप के लिए इस तरह से, वन पॉइंट फाइव इस तरह से अटैच कर एंड 1 इंच अप एंड डाउन एंड 0.5 भी ले सकते हैं आप, 1 इंच लेंगे इस तरह से। ये कटिंग हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक के 6.5 है ना अभी, तो इनका हाफ देखेंगे 3.2, 3.2 एंड 7 पॉइंट हाफ इंच आर 7 पॉइंट इस तरह से शेप दें। फ्रंट कर्व के लिए, ये बैक कर्व है, इसी तरह से बनाएंगे
ये तो हो गया शोल्डर एंड चेस्ट एंड बस्ट पॉइंट एंड वेस्ट लेंथ एंड हिप लेंथ. बस्ट पॉइंट मार्जिन डालें एंड वेस्ट लेंथ की मार्जिन डालें एंड हिप लेंथ इस तरह से. चेस्ट राउंड 38 डिवाइडेड बाय 4 स्टिचिंग के लिए 9.5 यानी कि 9.5. आप 1 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 वन एंड हाफ भी, पूरा कटिंग के लिए 1.5 भी बढ़ा सकते हैं. हमने 0.7 लिया है 1 इंच और 1.5 इंच ले सकते हैं. 3 इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ाया है स्टिचिंग से क्लॉथ को इस तरह से. ये हो गया 9.5 9.5. ये है 0.7 3/4 यहाँ तक के 0/4 यहाँ तक के हो गया है इस तरह से 9.5. अब ये है बस पॉइंट सेम उसी तरह से 9.5 लेंगे 9.5 एंड कटिंग 3/4 0.7. इसी तरह से वेस्ट लाइन इज 32 डिवाइडेड बाय 4 8 माइनस 8 ये 8 हो गया है. तो इसमें हम 0.7 स्टिचिंग के लिए कटिंग के लिए लेंगे स्टिचिंग के लिए 8 रखा है. इसी तरह से हिप लाइन राउंड 42 डिवाइडेड बाय 4 तो 10.5 होगा. तो हमने 10.5 रखा है इसी तरह से 10.5 हाफ इंच 0.5 पॉइंट कटिंग एंड स्टिचिंग इस तरह से रखेंगे ये एंड द गारमेंट्स इस तरह से बनाएंगे. अभी इस तरह से लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ अटैच करना है इस तरह से. ये जो बेंड स्केल है इसे इस तरह से शेप के लिए लेंगे. ये जो शेप आ रहा है इसी तरह से यहाँ से लेकर ये वेस्ट लाइन से लेकर के हिप लाइन को अटैच करना है इस तरह से. अभी हम फ्रंट कर्व बनाएंगे. ये फ्रंट कर्व है इस तरह से कटिंग करेंगे. फ्रंट कर्व बस्ट लाइन पॉइंट 38 राउंड डिवाइडेड बाय 4 9.5 एंड चेस्ट राउंड 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5 एंड वेस्ट लाइन इज 32 डिवाइडेड बाय 4 8 ये है 3/4 यानी कि 0.7. हिप लाइन
42 divided by 4, 10 and half is 0.5. it 10 and half mark margin dala hai cutting ke liye, stitching ke liye, and cutting 0.5 par hai. इसी तरह से आपकी ये जो लेंथ रहेगी स्टिचिंग की रहेगी. इस तरह से ये स्टिचिंग के लिए है. इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, 3-4 का स्टिचिंग करेंगे. अभी हम कट करेंगे इसे. बैक सेट कट करेंगे उसके बाद में. ये कंप्लीट मेजरमेंट है, 2.7 नेक विड्थ एंड 7 आर्म होल, 13 डिवाइडेड बाय 2, 6 एंड हाफ एंड फुल 7 एंड हाफ. ये 1 इंच आर 0.5 कट कर सकते हैं आप शोल्डर के लिए. एंड इस तरह से 6 आर 6 एंड हाफ भी ले सकते हैं लेंथ. ये इसमें वी शेप एंड स्ट्रॉ नेक एंड राउंड नेक, यू नेक बनाया है. ये फ्रंट आर्म होल है, ये बैक आर्म होल है एंड चेस्ट लाइन राउंड 38 बाई डिवाइडेड बाई 4 स्टिचिंग के लिए 9.5. बस्ट लाइन राउंड 38 डिवाइडेड बाई 4 9.5. वेस्ट लाइन 32 डिवाइडेड बाई 4 8 एंड हिप लाइन राउंड 42 डिवाइडेड बाई 4 10.5. तो इसी तरह से 3/4 कटिंग के लिए लेंगे 0.7 एंड वेस्ट लाइन के लिए भी 0.7 एंड हिप लाइन के लिए 0.5. ड्रेसेस कुर्तीस एंड शलवार हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. ये जो है 14 आर 15 20 आर 21 वेस्ट एंड हिप लाइन आप फिटिंग मेजरमेंट ले सकते हैं. 14 आर 15 14 आर 21 20. इस तरह से अभी हम कटिंग करेंगे. किस तरह से देखिए, तरह से कट कर लेंगे. बैक आर्म हम इस तरह से कर लेंगे. वी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, राउंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं. हमने अभी वी शेप में कट किया है. इस तरह से ये 2-fold पेपर लिया है हमने, क्लॉथ पे 4-fold रखना है. तो ये फ्रंट आर्म हम कटिंग करेंगे.
इस तरह से। स्लीव की कटिंग करेंगे जो हमने अभी ड्राफ्टिंग कट किया था उसी पे भी आपको जो ये आर्म होल है जो 13/2 उसी पे हमको आप इस स्लीव निकालना है इस तरह से। आप लेंथ फुल लेंथ ले सकते हैं आप कुर्ती या और ड्रेसेस एनी ड्रेसेस जो भी है 10 लेंथ ले सकते हैं 9 ले सकते हैं या 8 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने अभी 5 लेंथ ले रहा दिया है इसी तरह से लेंथ इस 5। मार्जिन डालें कैप हेट साइड कटिंग मीडियम पर्सन के लिए 3.5 एंड नॉर्मल पर्सन के लिए 3.7 ले सकते हैं एंड लार्ज पर्सन के लिए 4 इंचेस ले सकते हैं। मीडियम पर्सन के लिए 3.5 एंड 3.7 लेंगे अभी हम इस तरह से 3.7 मार्जिन डालेंगे। आर्म होल जो है 13/2 6.5 है तो इसी के हिसाब से 6.5 लेंगे हम एंड जो 3/4 लिया है उसमें 3/4 भी ऐड करेंगे इस तरह से। ये बॉटम साइड है बॉटम सेट को भी इसी तरह से हम 13 बॉटम साइड बॉटम है तो 2/6.5 एंड 3/4 स्टिचिंग एंड कटिंग ये कटिंग है इस तरह से। इसे इस तरह से शेप दें पॉइंट फोर पॉइंट वन शेप के लिए इस तरह से अटैच कर लें। ये फ्रंट आर्म होल है एंड बैक आर्म होल 5.0.5 पे लगा लें। जो पॉइंट है यहाँ से अटैच करें इस तरह से और इसे शेप दें इस तरह से मिड पॉइंट एंड आर्म होल एंड 1/2 इंच एंड 6.5 एंड 0.7 आर्म लाइन इस तरह से। कैप हाइट इज 3.7 सेट कटिंग लेंथ इज 5 एंड विड्थ इज 7.3। अभी कटिंग करेंगे
कहीं खोलें फ्रंट कफ उस तरह से कट कर लें। इस तरह से कटिंग हो गया। थैंक यू।